मालवा निमाड़ में लगातार बारिश के कारण नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मंगलवार रात 11 बजे से ओंकारेश्वर डैम के सभी 18 गेट भी खोले गए हैं। करीब 16,000 क्यूमेक से पानी बांध से छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते एहतियात बरतते हुए खरगोन जिले के बरभा में नर्मदा नदी पर बने मोटक का पुल को बंद कर दिया गया है। इससे इंदौर इच्छापुर हाईवे पर ट्रैफिक थम गया है। बरभा नर्मदा का जल स्तर 163.980 जो है मीटर पर खतरे का जो है निशान बताता है। फिलहाल ये 164.550 जो है 50 मीटर पर है, यानी खतरे के निशान से करीब आधा मीटर पानी ऊपर बह रहा है। हालांकि पानी अभी मोटक्का पुल से 8 फीट नीचे है, लेकिन ओंकारेश्वर बांध से तेजी से पानी छोड़े जाने के कारण जल स्तर बढ़ सकता है, जिसके चलते इंदौर से महाराष्ट्र के इच्छापुर की ओर जाने वाले वाहनों की आवाजाही मंगलवार रात 9 बजे से मोटक्का पुल पर रोक दी गई है। बुधवार दोपहर में सख्ती और बढ़ा दी गई है। अब लोगों को पैदल भी पुल की ओर नहीं जाने दिया जा रहा है। फिलहाल नावघाट खेड़ी में राधा कृष्ण मंदिर के निचले हिस्से तक नर्मदा का पानी पहुंच गया है। साईं मंदिर जलमग्न हो गया है, केवल गुबंद का कुछ हिस्सा ही नजर आ रहा है। खरगोन से SDERF की टीम भी नावघाट खेड़ी तहसील में बीती रात से तैनात है। तहसीलदार रंजना पाटीदार का कहना है कि अभी तक किसी भी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। नर्मदा किनारे किसी को जाने नहाने या नाव संचालन नहीं करने दिया जा रहा है। तहसील के 8 गांव नर्मदा किनारे बसे हैं, फिलहाल खतरा नहीं है। इसके बाद भी वहां राजस्व के मैदानी अमले को अलर्ट मोड पर रखा गया है।